So finally guys, मैं नए टूर टूर के लिए विथ माई न्यू ब्रीफकेस एंड माई न्यू ड्रेस, ये भी मैं टूर के लिए पहनूंगी। कौन से डे पे पहनूंगी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और जो मैंने सब ड्रेसेस निकाला है उसका कलेक्शन मैं आपको वन बाय वन ट्राई करके भी दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट करना कौन सा अच्छा है और मुझे सजेस्ट भी करना, कमेंट करना। चलो तो फिर वन बाय वन ट्राई करके दिखाती हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो टेंटेड है। हाँ, ये पूरा ठंडी के टाइम पे मैं पहनूंगी क्योंकि ठंडी का ड्रेस रहेगा, फुल लॉन्ग जैकेट है ये विंटर का और पूरा हैवी है। हैवी है ना? हाँ, कुछ भी ठंडी नहीं लगेगा। कैप ग्लोव्स वगैरह रहेगा तो ये पूरा पैक रहेगी उस दिन डे थ्री में, क्योंकि हम लोग ठंडी प्लेस में जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन डाला है वो दिखा दे। बड़ा है, इसको बहुत ज्यादा ठंडी लगता है, यहाँ पे ठंडी लगता है, इसलिए मैंने इसको जैकेट जो है ना अच्छा लिया। इसके अंदर भी देखो मैंने ठंडी का पहना है। हाँ, उलन डाला है। अभी तो यहाँ पे गर्मी हो रहा है, फिर भी मैंने बोला तू डाल के ट्राई करो कौन सा कैसा लगेगा। ये ब्लैक कलर का जीन्स है शेडिंग का, और उसके ऊपर ये ब्लू कलर का उलन का ये है, उलन टॉप है ठंडी का। ये भी विंटर का ही है, इसमें ठंडी नहीं लगता है इसलिए ये भी डाला मैंने। कैसा है? अच्छा बढ़िया। ये तेरा डे थ्री को फाइनल हो गया। ये देखो मेरा आज का लुक डे फोर का। ये डे फोर का लुक है। ये हुडीज डाला है, हुडीज है ना? ये हुडीज है, मैंने हम लोग कल ही लिया इसको। हाँ, ये मैंने कल ही सेलेक्ट किया था। इसको कैप भी है, जब ज्यादा ठंडी रहेगा तो मैं कैप भी पहनूंगी। और इसके ऊपर ये रेड कलर, और इसके ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन ब्लू किया है, ब्लू जींस डाला है क्योंकि यहाँ पे भी ब्लू है ना, थोड़ा मैच हो रहा है। डे फोर का इसके ऊपर, क्योंकि हम डे फोर में भी ठंडी प्लेस में रहेंगे तो इसके ऊपर तू जैकेट डालेगी। जैकेट डाल, ज्यादा ठंडी रहेगा तो मैं इसके ऊपर जैकेट पहनूंगी। जैकेट डाला ना कॉम्बिनेशन और अच्छा जाएगा, क्योंकि ब्लैक है जैकेट, ब्लू जीन्स है और रेड तेरा और ये है हुडीज है, तो मेरे ख्याल से और अच्छा दिखेगा। डाल के दिखा। हाँ, ये लुक रहेगा तुझे डे फोर में। तू एक्सट्रीम ठंडी में जाने वाला है तो ये लुक ठीक रहेगा। कैप भी तुझे कैरी करना पड़ेगा। चल, अच्छा डे फाइव में ना तू करने वाला है एक्टिविटी। ठंडी भी होगा, एक्टिविटी भी होगा, तो इसके हिसाब से तुझे कपड़ा शॉर्ट ही लेना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट किया हूँ तेरे लिए, रुका ये देख, यहाँ पे है ये ले। ये जो है ना ये रहेगा तेरे हाथ में जो है, ये डे फाइव के लिए रहेगा। उस दिन एक्टिविटी करेगा ठंडी में तो तुझे ये कपड़ा डालना पड़ेगा। चल अभी चेंज करके आ जा। डे फाइव में ना ये सिंपल इसलिए डाला है, इस दिन ये भीगने वाली है पानी में, एक्टिविटी एडवेंचर एक्टिविटी होने वाला है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, तो ऐसा कुछ लुक है इसका सिंपल, मैंने क्योंकि ये टॉप डाला है और ये क्या बोलते हैं इसको, कलर का शर्ट डाला है। और इसका कॉम्बिनेशन मुझे व्हाइटिश में चाहिए था, इसलिए मैंने ये व्हाइट कलर, व्हाइट नहीं मिक्स कलर का है, ये टाइट्स है पानी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तुझे इतना ठंडी रहेगा पर इतने डालने का ऑप्शन है, क्योंकि जैकेट बाद में डाल सकते हैं गाड़ी में जब रहेगा, जैकेट डाल के बैठेगा, एक्टिविटी के टाइम पे इतना ही डालने का ऑप्शन है। चलो सिंपल है। मेन कपड़ा अभी भी पेंडिंग है। ये जो मेन टॉप वगैरह है ना, ड्रेस वगैरह, ये अभी भी है, तो आपको वीडियो में रहना है पूरा एंड तक देखने के लिए। अभी हम पहले सिंपल आपको दिखा रहे। ये इसका लुक है डे फाइव का, अकॉर्डिंग टू डे जा रहे, 10 दिन का आपको पूरा लुक दिखेगा। चलो जाके डे बाद में अभी क्या है। हाँ, नाइट को भी एक एक्टिविटी है, तो नाइट के टाइम पे तेरे लिए एक मैंने कपड़ा सिलेक्ट किया है, नाइट में एक एक्टिविटी होने वाला, तो ये डाल के आ जाओ। ये सिंपल है पर हाँ, ये देखो मेरा लुक डे फाइव का है। डे फाइव मतलब मैं मॉर्निंग हाफ का सेकंड सेपरेट पहनूंगा, मतलब रात का टाइम के कैंपेन रहेगा ना, इसलिए मैंने ये चूज किया है। इसमें क्या रहेगा, ठंडी रहेगा तो फिर कंफर्ट अच्छा रहेगा। ये कॉटन मटेरियल का है, लूज भी है, थोड़ा कंफर्ट जोन में मिलेगा। और ये हुडीज मैंने और एक लिया है, ये मुझे सेफ करेगा ठंडी के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़ा कैरी नहीं करूँगी, इसलिए अकॉर्डिंग टू वेदर मैं चेंज करूँगी कहाँ कैसे क्या पहनना है। जिसमें ट्रायल दिखा रही हूँ, ठीक है ना? चलो हाँ, बढ़िया है ना, मस्त है, ठंडी के लिए भी सेफ हो जाएगा। चलो चलो अभी डे मुझे 6 का चूज करना। ये मेरा डे 6 का लुक है, फॉर्मल थोड़ा है, थोड़ा फॉर्मल कैजुअल मिक्स है। फॉर्मल कैजुअल मिक्स इसलिए इस दिन तू टेंपल में भी जाएगा और साइट सीन भी होगा। हाँ, दोनों कॉम्बिनेशन, टेंपल के लिए शर्ट और साइट सीन के लिए इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन दिया। ब्लू कलर ना हो? हाँ, ये नेवी ब्लू कलर का शर्ट है, कॉटन मटेरियल है,
थोड़ा ठंडी गर्मी क्या लगेगा पता नहीं, मैं कॉटन का ही सिला। नहीं अगर ठंडी लगा तो तू जैकेट यूज कर। इसको ना स्लाइट मुझे ऑल्टर करना है, ऐसे मैंने निकाला था देखने के लिए कैसे ट्राई रहेगा। थोड़ा लूज दिख रहा है तो तुझे यहाँ पे ऑल्टर करना है, थोड़ा स्लूज का ऑल्टर करेगा तो ओके ठीक है। चलो इसको चेंज करो अभी, डे सेवन के लिए लेना है। डे सेवन में हाँ इस दिन स्पेशल है, इस दिन तुझे अच्छा कपड़ा डालना है। इसमें से ये दोनों ये डाल डे सेवन को, डे सेवन का दिन थोड़ा स्पेशल है तो इस दिन तुझे कपड़ा अच्छा डालना है। चलो डाल के आ जाओ। ये देखो ये मेरा एकदम, मैं जाऊंगी ना जो मेरा ड्रीम में से सेकंड प्लेस है, इसलिए मैंने ये पहना है क्योंकि मेरा स्पेशल ड्रे होने वाला है। इसके लिए मैंने स्पेशल ये ड्रेस पहना है और हम लोग जाने वाले हैं ना तो फिर एक टेंपल में जाने वाले हैं, एकदम बहुत फेमस टेंपल है, इसलिए मैंने एकदम रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसलिए मैंने एकदम फुल फॉर्मल पहना है, स्लीवलेस भी नहीं है। टेंपल में जाना है इसलिए मैंने कुर्ता पहना है, फॉर्मल कुर्ता फुल लॉन्ग है, लॉन्ग स्लीव्स, ये ग्रे कलर है विद कॉम्बिनेशन, मैंने उसके ऊपर पिंक कलर लेगिंग पहना है। ये मेरा आज का लुक है, स्पेशल डे में जाने वाले हो ना इसलिए स्पेशल लुक, टेम्पल फॉर्मल लुक। हाँ टेम्पल लुक, हाँ मैं एक इसके ऊपर ना एक दुपट्टा लेने वाली हूँ टेम्पल में जाऊंगी तभी। डे सेवन में हाँ, ये डे सेवन का, सिक्स का मैंने वो ब्लू कलर कर दिया था। हाँ हाँ फॉर्मल शर्ट विथ पैंट, इतना दिन है हम डे ही भूल रहे हाँ पता नहीं, पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मतलब कपड़े में, मतलब डिपेंड ऑन वेदर। हाँ चेंज करेंगे उधर जाने के बाद, वेदर कैसा रहेगा तो पता नहीं ना। एक्स्ट्रा कपड़ा तो मैं कैरी करूंगी सुबह, अगर गर्मी ठंडी रहेगा तो मैं अकॉर्डिंग टू चेंज करूंगी कपड़ा। अब डे एट को देखना है मुझे, ये है ना डे नाइन को जाएगा, डे एट को ये है, ये है तेरा, ये मैंने दो तीन दिया है पर देखती हूँ कौन सा कॉम्बिनेशन। ये डाल के आ जाओ, कौन सा ये वाला। हाँ ये दोनों शर्ट में से कौन सा अच्छा जाएगा देखेंगे, जींस तो ब्लैक है। ये है मेरा डे एट का लुक। अच्छा क्योंकि ना मैंने एक्चुअली ये देखो ये कॉटन का शर्ट पहना है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं, बहुत ही गर्मी रहेगा, एक्सट्रीमली गर्मी रहेगा, बहुत धूप रहेगा, साइकिलिंग करने वाले, इसलिए मैंने एक पूरा लॉन्ग स्लीव्स का कॉटन मटेरियल का शर्ट लिया है। ये एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन इसमें डाल के, दो ऑप्शन है मेरे पास। ये मुझे कमेंट करो ब्लू वाला या ये वाला, दोनों में से मैं एक कैरी करने वाली हूँ। ये मैंने लिया था क्योंकि धूप में के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा लॉन्ग स्लीव्स है, मटेरियल भी अच्छा है, कॉटन मटेरियल है, इसलिए मैंने ये कैरी किया था। वो भी कॉटन है, दोनों कॉटन है, पर लुक वाइज कौन सा अच्छा दिख रहा है। चलो ठीक है, ये मेरा डे एट का होगा, डे एट का होगा। इस दिन साइड सीन है धूप में, धूप में साइड सीन करने से बस ये किया ना सेलेक्ट, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ और मैं स्कार्फ पे कैरी करूंगी। ओके ठीक है आ जा अभी नेक्स्ट। डे नाइन, डे एट या नाइन, डे नाइन कन्फर्म। हाँ ये डे एट का है ना, डे एट का हो गया। अभी डे नाइन के लिए ये इसका स्पेशल ड्रेस है, इस दिन तेरा स्पेशल डे, स्पेशल प्लेस, सब कुछ स्पेशल होने वाला है, ड्रीम प्लेस है, ड्रीम प्लेस में जा रहे हैं, माय ड्रीम प्लेस। ओके सो इसके लिए ना इसने ये एक ड्रेस लिया है फुल, और इसके साथ कौन सा लेगिंग्स ले रहा है तो वाइट ले रहा है, ये काफी सारे लेगिंग निकाला है, अभी कौन सा लेगिंग्स आएगा वो देखेंगे। यहाँ पे इसका रखता हूँ, वन बाय वन ट्राई करके आपको दिखाएंगे। ये देखो मेरा लुक, क्योंकि मैं ना आज मतलब ये ड्रेस पहन के जो जिस दिन जाऊंगी वो मेरा बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है। पहले से मुझे ड्रीम था वहां जाने के लिए वो प्लेस, और मैं इस बार जाऊंगी। ये एक्साइटमेंट दिख रहा है चेहरे पे। अब मैं ये ड्रेस सेलेक्ट, कौन सा डे का, डे नाइन में। ओके डे नाइन में ये लुक होने वाला है सरिता का, क्योंकि मेरा बहुत बहुत पहले से बड़ा ड्रीम प्लेस है, बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेरा। शादी के बाद से मेरे पीछे लगा हुआ था कब लेके जा रहा है, कभी बोला थोड़ा रुक जा होने दे सारे लेके जाएंगे, फाइनली मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी ड्रीम प्लेस है ये। ऑब्वियसली हर एक इंसान का ड्रीम प्लेस है, मेरा तो पहले से थे, कब से मैं जब से स्कूल जाती थी तब से मेरा ड्रीम प्लेस। ये जो प्लेस है ना हर एक इंसान का ड्रीम प्लेस है बिल्कुल। तो हम जा रहे तो इसका लुक है ये देखो, मैंने कुर्ता लॉन्ग स्टाइल में पहना है, इसका स्लाइट ऑल्टरेशन है क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है ये, और इसके ऊपर मैंने ना ये व्हाइट कलर का लेगिंग पहना है। एक्चुअली मैं चूज कर रही थी कौन सा सेलेक्ट करूँ, आप मुझे सजेस्ट करना कि कौन सा इसमें से पहनूँ। एक गोल्डन एक लिया है और मैंने ग्रीन किया था क्योंकि पिंक पे बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रीन में अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है, इसलिए पैर तो थोड़ा ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा देखो, पर फिर भी मेरा ड्रीम प्लेस है ना अच्छा दिखा, और दोनों दिखा और ये देखो, ये मैंने गोल्डन सेलेक्ट किया है क्योंकि इस पे ना ये कुर्ता पे ना गोल्डन का आर्टवर्क है, इसलिए मैंने गोल्डन दिया था, पर गोल्डन इतना अच्छा नहीं दिखता इसलिए व्हाइट किया है।
आप मुझे सजेस्ट करना कौन सा इस पे मैच हो जाएगा, वही मैं पहनूंगी। कमेंट करना, कमेंट करना, हाँ, कमेंट करना मुझे। ये मेरा ड्रीम प्लेस का ड्रेस है। चलो ये नाइन्थ डे में है। हाँ ये मेरा, हाँ नाइन्थ डे पे। तो फिर अभी बाकी का मैंने और भी मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा कैरी करूंगी। अभी है ना, अभी सबसे एक्साइटेड वाला कपड़ा अभी ट्राई करेगी। ये हम लोगों ने ऑप्शनल रखा है, ये इवनिंग को डाल सकती है, डे टाइम में मेरे ख्याल से नहीं डाल सकते। बहुत धूप रहेगा, पता नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ दिन हम लोग एक्सट्रीम ठंडी में रहेंगे और कुछ दिन जो रहने वाले पूरा गर्मी में रहने वाले। तो शाम के टाइम पे ये जो ड्रेस है ये डाल सकते हैं। ये ट्राई करके दिखा, ये नया लिया है, अभी अभी लिया है हमने, और जो अभी जो शॉपिंग किया है ना ये है, ये लेके जा। ये देखो मैं आज ही गोल करने के लिए ऐसे काम के लोग था, ऐसे मैंने इसको ऐसे ही लाया था दिखाने के लिए। ये मेरा लुक है, मैंने ऐसे ऑप्शनल ड्रेस लिया है क्योंकि ये मैं रील्स शूट करूंगी, कहाँ पे शाम को कहाँ पे जाऊंगी तो देखूंगी, ऑप्शनल है ऐसी। फोटोशूट रील्स भी लेने के लिए मैंने लिया है, ऐसे थोड़ा टाइम के लिए पहनूंगी, फोटोशूट वगैरह करूंगी और प्रेजेंट बैकअप, इसलिए मैंने ये लिया। ये लुक अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, ये ऐसे कैरी करूंगी मैं, अच्छा दिख रहा है, पर अच्छा दिख रहा है। और दो तीन है वो भी मैं ट्राई करके निकाल, ट्राई करके ले। तो ये और एक मेरा लुक, ये मैंने ना रील्स वगैरह फोटोशूट भी करूंगी ना तब मैंने पहनने के लिए लिया ऐसे, मतलब कॉटन भी मटेरियल है, रैग टाइप को मैं पहन सकती हूँ, कम्फर्टेबल भी है, ये ऑप्शनल है। हाँ ऑप्शनल, ऐसे मैंने फोटोशूट वगैरह करने के लिए लिया था। यस, अच्छा दिख रहा है पर। अच्छा, और दो भी है, ये और एक ड्रेस है मेरा शर्ट, इसका मैं इनर वगैरह ऐसे नॉर्मल पहना है, मैं चेंज करूंगी क्योंकि जस्ट दिखाने के लिए वीडियो में मैंने पहना था, क्योंकि हम जो प्लेस में जा रहे हैं ना वहाँ पे ऑप्शनल है, गोवा के लिए तो फुल टाइम ड्रेस है। गोवा में तो ऐसे ड्रेस डाल सकते हैं बीच साइड में, शाम को भी पहनूंगी, ठंडी लगेगा तो ऊपर जैकेट भी पहनूंगी मैं। लुक कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा पीछे जा देखना कितना सुंदर लुक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, एक्चुअली कम्फर्टेबल भी है, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। हाँ बढ़िया दिख रहा है। क्या 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 थोड़ा बहुत थोड़ा लॉन्ग है वो भी पहन के दिखाती हूँ मैं। ये कपड़ा किस किस को पसंद है जो कपड़ा है ना वो सब भी जंगली टाइप कपड़ा है, मैं डायरेक्ट ऐसे डाल के जाऊंगा। तू क्यों है फिर भी पहनता नहीं, ऐसे वही टी शर्ट पहनता है। नहीं मैंने भी शॉपिंग किया है, मेरा डायरेक्ट आपको वीडियो में ही दिखेगा। मेरा डायरेक्ट आपको वीडियो में दिखेगा। सरिता को ट्राई करने दो, पर अच्छा दिख रहा है ये रे। ये देखो सबका लास्ट, मेरा वीडियो में से लास्ट ड्रेस है, ये भी मैंने ऐसे ऑप्शनल पहना है, ऑप्शनल मतलब मैं लास्ट डे भी पहनूंगी क्योंकि कॉटन मटेरियल भी है, अच्छा भी लगता है और इसमें मैं गर्मी में भी पहन सकती हूँ, थोड़ा कम्फर्ट भी रहेगा मुझे। ये वन पीस है, वन पीस ड्रेस। तो ये इसका आज के वीडियो का लास्ट रेट है, एंड कर रही है वीडियो। तो गाइस ये था मेरा पूरा ड्रेस का कलेक्शन जो मैं टूर के लिए पहनूंगी, आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करना, और कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे सजेस्ट करना, मैं देखती हूँ कौन सा क्या ऊपर नीचे मैं करूँगी। तो फिर ये था आज का मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना, वीडियो में मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।